हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके इंस्टीट्यूट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम 6 मार्च को है। रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें पजल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, बड़ी से बड़ी पजल्स हम मिनटों में कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक के साथ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल के अराउंड में 8 लोग बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर। 4 जो हैं वो 4 कॉर्नर पर बैठे हैं और जो बाकी के 4 हैं वो मिडल में बैठे हैं। जो 4 कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस है इनसाइड और जो मिडल में बैठे हैं 4 उनका फेस है आउटसाइड। देवर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ। वो डिफरेंट मंथ में पैदा हुए थे, जनवरी से अगस्त तक। सेम ईयर है उनका बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर सेम ऑर्डर नहीं है। क्लियर है। क्यू वॉज बॉर्न इन मंथ विच हैज 30 डेज। क्यू जो बॉर्न हुआ है उसमें 30 डेज वाले मंथ में बॉर्न हुआ है और उसका फेस है सेंटर में। तो मतलब क्यू जो बॉर्न हुआ है वो हुआ है जून या फिर अप्रैल में। बोल रहे हैं क्यू के जो 3rd राइट में बैठा है वो क्यू से 2 महीने बड़ा है। इज इट क्लियर। द नंबर ऑफ पीपल एल्डर टू टी। जितने पीपल टी से बड़े हैं उतने ही पीपल पी से छोटे होंगे, मतलब सेम नंबर होंगे। टी से अगर 3 बड़े हैं तो पी से भी 3 छोटे होने चाहिए। अगर टी अप्रैल में है तो क्यू जो है हमारा जून होगा, अप्रैल से कट जाएगा तो क्यू आ गया जून में। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं। सिर्फ एक ही बंदा एन से बड़ा है, मतलब अगर फेब्रवरी एन है तो सिर्फ जनवरी वाला एन से बड़ा है। इसमें जो हमें यंगेस्ट पर्सन दे रखा है वो है आर, मतलब अगस्त आर हुआ। अगर क्यू हमारा इनसाइड है तो उसके 3rd राइट पे हमें बताया गया था टी, टी मतलब अप्रैल। क्लियर। और जिसमें दे रखा है फेब्रवरी के 2nd राइट में है जून, मतलब फेब्रवरी के 2nd राइट में जून हुआ। तो फेब्रवरी कहाँ हुआ हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे फेब्रवरी। फेब्रवरी इधर है तो फेब्रवरी के 2nd राइट में क्या है, जून। फेब्रवरी हमारा है एन। एस इज 2nd लेफ्ट टू एन। एन के 2nd लेफ्ट पर है एस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस। एस का हमें अभी मंथ नहीं पता। टी का नेबर है आर। एस यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, तो टी का नेबर क्या हुआ आर। आर क्या है हमारा अगस्त। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ये है हमारा जून क्यू। आर के 3rd लेफ्ट पर है हमारा ओ, तो आर के 3rd लेफ्ट पर हम ओ लिखेंगे। तो एस ओ टी हमारे अब 2 ब्लैंक हैं, मतलब हमारा अब दे रखा है जो 1 बॉर्न हुआ है जनवरी में वो ओ के 2nd लेफ्ट पर है। ओ के 2nd लेफ्ट पर है मतलब हम यहाँ लिखेंगे अब जनवरी, ये जनवरी में पैदा हुआ है। पी इज़ फेसिंग आउटसाइड। अब बचा है हमारा पी, पी है मे, तो अब ऊपर लिखेंगे। ये दोनों फिल हैं, ये भी हमारा फिल हो गया जनवरी, तो पी में क्या है मे, ये यहाँ पर आ गया है। अब हमें दे रखा है एस इज़ ओल्डर एल्डर टू ओ। जो एस है वो ओ से बड़ा है, ठीक है। तो एस भी है ओ भी है, तो एस बड़ा है मार्च और हमारा क्या बचता है जुलाई। तो मार्च में जो पैदा होगा वो बड़ा है, तो एस हमारा मार्च है और ओ है हमारा जुलाई। और जनवरी में हमने नाम दे दिया एम, क्योंकि सिर्फ एम हमारा बच रहा है। समझ में आया आप सबको कि मैंने ये क्वेश्चन किस तरह से आपको बताया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एल्डेस्ट पर्सन। सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे पहले पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा है, मतलब जनवरी मीन्स एम। सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के 2nd लेफ्ट पर है हमारा क्यू मीन्स जून। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। देखिए पी मार्च इज रॉन्ग, टी मे रॉन्ग, ओ जुलाई इज करेक्ट, एम फेब्रवरी रॉन्ग और एस जुलाई भी हमारा गलत है। तो सही आंसर क्या है हमारा इसका, ओ जुलाई। अब इसमें बोला है कौन सा पर्सन इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। देखिए फेब्रवरी इनसाइड है, एस भी इनसाइड है, आर भी इनसाइड है और क्यू भी इनसाइड है, तो आउटसाइड क्या हुआ हमारा ओ, ओ जुलाई हमारा आउटसाइड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एल्डर टू पी। पी का मे है, जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो ओ जुलाई जो इसमें ऑप्शन दे रखा है जुलाई छोटा है पी से। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इज, 8 बॉक्सेज आर केप्ट अबव वन अनदर। दीज बॉक्सेज आर ऑफ डिफरेंट कलर। आर डिफरेंट कलर है पर सेम ऑर्डर में नहीं है। 3 बॉक्सेज येलो और ग्रीन कलर के बीच में है और एक जो बॉक्स है येलो या ग्रीन में से वो बॉटम में है, सबसे नीचे या तो येलो आएगा या ग्रीन आएगा। तो इसके लिए हम 2 केस बना लेते हैं। तो इधर पहले लिख लेते हैं हम ग्रीन नीचे और सेकंड में लिख देते हैं येलो नीचे। क्लियर। देखिए मैंने येलो ऊपर लिख दिया है, ग्रीन नीचे लिख दिया है। अब इधर मैंने एक और केस में ग्रीन ऊपर लिख दिया है और येलो नीचे लिख दिया है। खा है बॉक्स बी के जस्ट नीचे बॉक्स ई है और वो है ऑरेंज कलर का। ओके। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है बी और डी के बीच में 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं
और डी जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पर है, मतलब डी हमारा टॉप मोस्ट पोजिशन पर है, तो दोनों हम ऑप्शंस में डी टॉप मोस्ट पोजिशन पर रख देंगे, तो बी हमारा या तो ग्रीन हुआ या फिर येलो। अब नीचे दे रखा है बॉक्स सी इज ग्रीन कलर, मतलब फर्स्ट वाला हमारा जो केस है वो बिल्कुल सही है, सेकंड वाले को हम क्रॉस कर देते हैं। अब बी के जस्ट नीचे येलो ऑरेंज था, तो ई ऑरेंज हम बी के जस्ट नीचे लिख देंगे। अब हमें दे रखा है बी और सी के जस्ट बीच में हमें दे रखा है जी बॉक्स जिसका कलर है ब्लैक, तो बी इधर है और सी सबसे नीचे है, तो हम बीच में जो है उसके मिडल में हम जी लिख देंगे ब्लैक कलर का। नेक्स्ट दे रखा है जी और एफ़ के बीच में तीन बॉक्सेस प्लेस किए गए हैं, तो जी हमारा 6 नंबर पर है, तो एफ हमारा किस पर आएगा, 2 नंबर पर एफ आ जाएगा। ओके बोला है जो बॉक्स कलर वाइट का है वो उसके नीचे एच है, तो देखिए कहीं भी आ नहीं सकता क्योंकि सब में फिल है, तो हम एफ पे लिखेंगे वाइट कलर और एच उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। ये आपको समझ में आया किस तरह से। अब बोल रहा है रेड कलर जो है और ग्रीन कलर ग्रे कलर के बीच में 3 का डिफरेंस है, रेड और ग्रे के बीच में 3 का डिफरेंस, तो बताइए रेड हमारा कहाँ आ सकता है, या तो आएगा हमारा रेड, और रेड जो है वो ग्रे के नीचे है, मतलब रेड नीचे है और ग्रे उसके ऊपर है, तो ए उसको दे देते हैं जो बचा है, और वॉयलेट कलर बचा है तो हमने डी को दे दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। विच बॉक्स इज कैप्ड एट 4 पोजीशन फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम टॉप से है येलो बी, तो हमारा आंसर है इसका फर्स्ट द बॉक्स विच इज येलो इन कलर, सेकेंड विच बॉक्स इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर एफ, थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में है हमारे 3 बॉक्सेस, तो आंसर है हमारा 3। फोर्थ क्वेश्चन है फोर ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, विच फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, देखिए डी और एफ साथ साथ में है, बी और ई भी साथ में है, जी और ए, पर हमारा एच और सी साथ में नहीं है, तो आंसर है हमारा फोर्थ एच और सी। फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू अबाउट बॉक्स डी, बॉक्स डी 3rd पोजिशन पर है टॉप से रॉन्ग, डी और ई के बीच में है 2 बॉक्सेस रॉन्ग, ऑरेंज कलर का है रॉन्ग, वॉयलेट इन कलर है इट्स ट्रू, तो आंसर है हमारा 4। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।